मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेम भरी बधाई। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिलीज, टीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक फैमिलीज, मैं ईश्वर की महिमा हो। इस भूमि में हम सब विभिन्न प्रकार के परिवार से, विभिन्न प्रकार के जगहों में जीकर काम करके, आप में से बहुत सारे लोग सेविकाई करके, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम जी रहे हैं। यह जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर के द्वारा हमने पाया है। आमेन। आज का दिन जो हम देख पा रहे हैं वो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो इन दिनों के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। एक बात आपको अच्छी तरह मालूम है, आगमन की छोर पर हम खड़े हैं। आगमन के दिन बहुत ही करीब आ गए हैं, दुनिया के अंत में आ गए हैं। इसलिए हर एक दिन उसके आगमन की प्रतीक्षा कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज परमेश्वर हमें कौन सा वचन देने वाला है, बाइबल खोलकर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34वां अध्याय और 9वां वचन बाइबल बताती है, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। मूसा ने अपने हाथ रखकर जब प्रार्थना किया, यहोशू के अंदर जो है एक अनॉइंटिंग आ गया, वह अभिषेक बुद्धिमानी की आत्मा है। आमेन। सबसे बहुमूल्य मैं विश्वास करता हूं कि ज्ञान, अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, वो भी और कहा जाए तो डिवाइन विजडम, दैविक ज्ञान, वह सभी लोगों को नहीं मिलता। साधारण रूप से दुनिया के शिक्षा जो है, डिग्री जो है, बहुत सारे पुस्तकों का ज्ञान, दुनिया का अनुभव, सभी लोगों को दुनिया के बाद ज्ञान से मिलता है। पर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर जो दैविक ज्ञान वह देता है, वो बहुत आशीषों से भरा है ना। तो आज परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर के लोगों, मूसा ने जब यहोशू पर अपना हाथ रखा, तब एक विशेष ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा उसे एक बहुत बड़ा आशीष मालूम है। क्या है? उसी वचन के आखिरी भाग में देखा जाए तो इसराइली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। परमेश्वर की महिमा हो। ज्ञान, बुद्धि, अनुग्रह, ये सब आने के बाद बाइबल बताती है कि इसराइली लोग यहोशू की ओबे करने लगे। यहोशू युवक था, जवानी के दिनों से युद्ध में बहुत श्रेष्ठ था। अब जो है मूसा के दिन खत्म हो रहे हैं। मूसा के दिन खत्म होने के बाद यहोशू के दिन आ रहे हैं। तो यहोशू जो है एक युद्धवीर के रूप में देख रहे थे, युद्धवीर के रूप में लोग देख रहे थे, पर अब जो है एक लीडरशिप, एक नेता के रूप में आ रहा है। देखिए वचन को देखिए, इसराइली लोग उसकी आज्ञा को मानने लगे। उसका मतलब क्या है? वह अधिकार, वह शासन करने का तरीका, वह सब लोगों के अंदर जो है एक इन्फ्लुएंस आ गया इसको लेकर। कैसे आया? अभिषेक के कारण आया मेरे प्रिय लोगों। इसलिए अभिषेक का मतलब कोई आत्मा में भरकर प्रार्थना ही नहीं, बल्कि एक दैविक ज्ञान, समय के अनुसार बात करना, समय के अनुसार आप आंसर देना, समय के अनुसार शैतान का खंडन करना, ठीक है, जो आपको धोखा देते हैं उनसे बचने के लिए यह दैविक ज्ञान बहुत जरूरी है। अब यह क्यों परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि हाँ, मांगने वाले हैं, परमेश्वर हमें देने वाला है। हाथ उठाकर मांगते हैं, यीशु के नाम से बुद्धिमानी की आत्मा तेरे बच्चों को दे दे। परिवार चलाने वाले, सेविकाई चलाने वाले, बिजनेस चलाने वाले, बच्चों को चलाने वाले, हे परमेश्वर, और अध्यापक हैं तो कक्षाएं चलाने वाले, सभी लोगों में एक दैविक ज्ञान है परमेश्वर, तू दे रहा है, तू देता रहे परमेश्वर, आशीषों से भरपूर कर,
मेरे बच्चों को तू देने वाला है, इसीलिए इस दैविक ज्ञान के बारे में तूने बात किया है। ऐसे दैविक अनुग्रह के लिए कोटि धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। निश्चय रूप से परमेश्वर ने आपको दे दिया है, अभिषेक में भर कर प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर का अनुग्रह आपके द्वारा और प्रकट होता रहेगा, दूसरों को आप जरूर शेयर करोगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।